नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में जीत के विश्वास से भरी बीजेपी के चुनावी अभियान के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा मोदी की गारंटियों के साथ चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इधर कांग्रेस भी इस लोकसभा चुनाव में जिस चुनावी घोषणा पत्र के साथ उतरने जा रही है वो पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी की घोषणा पर आधारित होगा। विधानसभा चुनावों में हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस को यकीन है कि उसकी लोक लुभावन गारंटियों से उसके चुनाव अभियान को ताकत मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। चुनावों में दावे, वादे और कुछ करने के इरादे से चुनावी हवा बदल जाती है। लोक लुभावन वादों और मुफ्त की योजनाओं से मतदाताओं के एक वर्ग को रिझाना मुश्किल नहीं। कभी मोदी एक स्टेट से निकलकर काले धन की वापसी, रोजगार और लोगों के खातों को काले धन से भरने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरे थे, इससे उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। आज से लोकसभा चुनाव का नामांकन शुरू हुआ। मोदी की योजनाओं, गारंटियों और वादों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव रोड शो और सभाओं के साथ अभी से माहौल तैयार करते दिखे। आप बताइए कौन सा क्षेत्र छुप रहा है हमारे नेता नरेंद्र मोदी के लिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का अपना नेतृत्व, लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद अब तीसरी बार उनके कदम बढ़ रहे हैं और ठोस कदम बढ़ रहे हैं। कदम बढ़ते हुए वो नहीं कह रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में कहते हैं, उनके सामने बोलते हैं, हमारा नारा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। अब की बार अब हम नहीं कह रहे, उनके नेता बोल रहे हैं। इधर कांग्रेस को अपने दल के न्याय यात्रा और घर घर गारंटी के वादों से खासी उम्मीदें हैं। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटियों की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। उसने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन और GST मुक्त खेती का वादा किया है। 12 मार्च को राहुल जी ने 5 सूत्री आदिवासी संकल्प देश के सामने रखा। 13 मार्च को धूले में एक महिला सम्मेलन हुआ जहां नारी न्याय की घोषणा की गई। 14 तारीख मार्च नासिक में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ जहां शरद पवार जी, पूर्व कृषि मंत्री भी मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे, और वहां राहुल जी ने फिर से किसान न्याय की गारंटी दोहराया। और अंत में 16 तारीख बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रमिक न्याय को लेकर और हिस्सेदारी न्याय को लेकर फिर से गारंटी दोहराई। चुनावी वादे मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि नागरिक वादों का विश्लेषण करें और वोट डालने से पहले उम्मीदवारों के ट्रैक रिकॉर्ड पर विचार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। तो चुनावी वादे, कितने नेक इरादे, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में शिवम शुक्ला जी मौजूद हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। द्वारकाधीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे जी, एक तरफ मोदी की गारंटी जिसे लेकर लगातार बीजेपी ने कैंपेन चलाया विधानसभा चुनाव के दौरान, और अब जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तब भी सभी 29 सीटों पर, चाहे हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें, तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं इसी स्लोगन को लेकर के जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अब न्याय की बात कर रही है और 25 गारंटियां दे रही है। आपसे हम समझना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो ये न्याय है वो किस तरह से होगा। क्या मध्य प्रदेश वासियों के साथ इतने सालों तक अन्याय हुआ है कि जब अब कांग्रेस अपने ध्येय वाक्य में उन्हें न्याय देने की बात कर रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये हमारी गारंटी है। अमित शाह जी कहते हैं कि ये हमारे जुमले हैं। जो भी मोदी जी कहते हैं उसके बारे में अमित शाह जी कहते हैं इनके सर्वोच्च नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कथित चाणक्य,
कि ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये तो मोदी के जुमले हैं और ये मीडिया वालों को उन्होंने कहा है, तो उनकी जो गारंटी है वो तो जुमले में उसी दिन कन्वर्ट हो जाती है। और उनका आप देख भी लीजिए जैसे कितनी गारंटी दी थी उन्होंने, काला धन लेकर आऊंगा, जी उसके लिए SIT भी बनाई, एक रुपया लेकर नहीं आए, स्विस जी बैंक से लेना था, लेकिन काला धन कहाँ जमा करवाया, SBI में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन का हिसाब दो, जो लोग स्विस बैंक से काला धन लेकर आने की बात करते थे वो काला धन SBI में सरकार के माध्यम से जमा हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि काला धन बताइए बताइए बताइए, और सरकार कभी 4 महीने का समय मांगती है, कभी आधी अधूरी जानकारी देती है। अब जो काला धन है जो देश का, जो भारतीय जनता पार्टी के खातों में गया है, वो परसों पूरी आपके पास जानकारी मिल जाएगी। जी 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, 2022 तक सबको पक्के मकान दे दूंगा, जी गुजरात मॉडल लागू कर दूंगा। तो जी मोदी जी अपनी टोटल जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से खो चुके हैं। जी कांग्रेस का कार्यकाल था 2004 से 2014 तक, GST देश आजाद हुआ है तब से GST प्रोग्रेस या हम GDP प्रोग्रेस कहें तो सबसे ज्यादा थी उस समय, GDP हमारी जो थी करीब 8% थी और मोदी सरकार में वो 4% चल रही है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। और जब पूरी दुनिया हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया कि भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी लेने का अधिकार सबको है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मन शुद्ध था, इसलिए कांग्रेस पार्टी के मन में था कि सबको भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ जमा कर रही है, पीएम केयर फंड में। मतलब पीएम केयर फंड की जानकारी आप RTI से भी नहीं ले सकते हैं कि कौन वहां पैसा जमा कर रहा है। अभी जो नकली दवाइयां बनाते हैं, जहर बनाते हैं, उन तक ने चंदा दिया है जिससे लाखों करोड़ों लोग हमारे देश के मर रहे हैं, ठीक है जो गाय काटते हैं, बीफ खाते हैं, जी वो कंपनियां चंदा दे रही हैं, और गौ माता के नाम पर कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाइए, जिस बीफ को खाने वाले लोग चलिए ठीक चंदा है, दे रहे हम हैं। गारंटी पर ही फोकस करेंगे चूंकि आज हमारा विषय यही पर है। मैं शिवम जी से जवाब ले लूंगा आपके आरोपों पर। शिवम जी, गारंटी नहीं सिर्फ जुमले हैं जो पीएम मोदी ने किए हैं, ये कह रही है कांग्रेस, और कह रहे कि अब आपकी गारंटी पर क्यों जनता भरोसा करे जब कांग्रेस के शासनकाल में जब बहुत सारी चीजें जनता की उपयोगिता के लिए लाई गई थी उसे ही आपने बंद कर दिया। शिवम जी जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कौन किसको किसकी गारंटियों पर भरोसा है, इसकी बांधी तो मेरी से देखने को मिलती है कि जी एक और पूरे देश की जनता चुनाव दर चुनाव प्रधानमंत्री जी पर, उनके विकास कार्यों की नीति पर लगातार मुहर लगाने का काम कर मैं रही है, आऊंगा राम प्रत्येक जी आपका चुनाव फिर में से हम रुक करूंगा, जीत। शिवम जी का मौका है उन्हें बोलने दीजिए। जी शिवम जी आपकी बात पूरी करें। जी देखिए, कांग्रेस के नासमझ प्रवक्ताओं से मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि अनावश्यक रूप से बीच में इंटरप्ट न करें, अपनी बात समाप्त हो जाने पर शांति को धारण करें, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज हमें समझने की आवश्यकता है। जी जी आपकी बात एक शिवम जी। और भारतीय जी शिवम जी आपकी आवाज, माफ कीजिएगा आपको रुक रहा हूं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही हम तक, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जी शिवम जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट आप? जी जी आपकी बात रखिए। जी शिवम जी आपकी आवाज अब भी स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपको ऑडियो नंबर पैच करने की कोशिश करते हैं, तब तक मैं द्वारकाधीश जी का रुख कर लेता हूं। द्वारकाधीश जी, जैसे कि पहले पीएम मोदी ने गारंटी दी देश भर में, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी मोदी की कई गारंटियां जो कि चर्चा में रही, अब भी उस पर बीजेपी चुनावी कैंपेन में जा रही है।
दूसरी तरफ अब कांग्रेस की भी गारंटी आ गई है, तो गारंटी बनाम गारंटी का ये चुनाव दिख रहा है, लेकिन जनता किसकी गारंटी पर कितना एतबार करे, बड़ा सवाल ये हो गया है। द्वारकाधीश जी, देखिए जी लोकसभा चुनाव में जी आज से नामांकन फॉर्म जमा होना शुरू हो चुके हैं जी, और नामांकन के दौरान कांग्रेस के द्वारा इन 6 सीटों में जो नामांकन के लिए व्यवस्था की गई है वहां 3 सीटों में अभी भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। दूसरी ओर देखे चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो जी, दोनों के द्वारा बिल्कुल हर व्यक्ति को प्रलोभन दिया जा रहा है, उस प्रलोभन से दूर किया जाए, प्रलोभन से दूर करें, काम के बदले अनाज दिया जाए, काम के बदले मजदूरी दी जाए, काम के बदले रोजगार दिया जाए, उस ओर दोनों पार्टी को ध्यान दिया जाना चाहिए, उस ओर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। और आप देखें कि चारों ओर मतदाता को प्रलोभन देने की ही बात हो रही है। अब मतदाता जो है वो बाकायदा ये स्थिति देखे, देश में रामलला का जो मंदिर बना है, महाकाल लोक बना है, उसको लेके बाकायदा धर्म की ओर ध्यान दे रहा है, और धर्म के और माननीय प्रधानमंत्री भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव दोनों के द्वारा भी ये व्यवस्था की जा रही है। इस ओर भी आपको देखना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सीधी से अपना जनसंपर्क शुरू किया उन्होंने, और सीधी से जनसंपर्क के दौरान भी उन्होंने प्रदेश की जनता को यही कहा कि मैं 100 दिन में विकास कार्य किया है। मैं तो आप देखें कि चारों ओर विकास की बात हो रही है। कांग्रेस की दूसरी ओर आप देखें कि इन्होंने कहा कि गैस के भाव बढ़े हैं जी, पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, पर उस ओर कांग्रेस के द्वारा कोई आंदोलन नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस को चाहिए कि उनको आंदोलन करें लोकसभा चुनाव में, अगर अपने को 29 सीट में से जी, अगर अभी वर्तमान में 28 सीट भाजपा के पास है और 1 सीट बीजेपी के कोटे में नहीं है जी, वो कांग्रेस के पास है, उस ओर भी बीजेपी तो चाह रही है कि 29 ही सीट आए, तो कांग्रेस को चाहिए कि 29 सीट में से कितनी सीट जीत सके, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है शिवम जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर राम पांडे जी, ये तो निश्चित ही सही है कि जब जब चुनाव आता है तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता के बीच अपनी बातों को लेकर जाते हैं, तो उन्हें लुभाने की भी कोशिश भरपूर होती है। आपकी पार्टी हमेशा से बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है, लेकिन जैसे वरिष्ठ पत्रकार द्वारकाधीश चौधरी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी तो कुछ लुभावने वादे किए हैं, तो क्या ये सिर्फ वादे बनकर रह जाएंगे, सिर्फ ये प्रलोभन हो जाएंगे? कांग्रेस ने कहा वादा किया था कि स्विस बैंक से काला धन लेकर आएंगे? मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी आपकी बात रखें। तो कांग्रेस ने तो वादा नहीं किया था कि स्विस बैंक से, स्विट्जरलैंड से काला धन लेकर आएंगे, ये तो वादा नरेंद्र मोदी जी का था ना, ये वादा तो भारतीय जनता पार्टी का था, और SIT भी गठित की गई थी, प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड भी गए थे, क्यों नहीं आ रहा वहां से पैसा, क्या कारण है? या तो पैसा है नहीं, है नहीं है तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी, बाबा रामदेव और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण RSS ने झूठ बोला था, और यदि वो झूठ था तो आज इनकी सारी गारंटियां झूठ है। या तो काला धन आना चाहिए था जी, काला धन नहीं आया है, इसका मतलब ये होता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, RSS झूठ बोलती है, बाबा रामदेव झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, और उस झूठ में जिस जिसने समर्थन दिया था जी, वो सब लोग झूठ बोलते हैं। क्यों नहीं ला रहे काला धन, जब इतना पैसा वहां जमा है अरबों खरबों रुपए, आज हमारे देश की जितनी GDP है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक कई गुना पैसा वहां जमा है जी, तो वो वहां पैसा क्यों छोड़ रहा है? और पहले 2014 के पहले हम विश्व गुरु भी नहीं थे, हमारी दुनिया में उतनी दादागिरी नहीं थी जी, आज तो हम रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, तो जब नरेंद्र मोदी जी के कहने से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है, तो क्या स्विट्जरलैंड जैसा पिद्दी जैसा देश, जिसकी मध्य प्रदेश के बराबर भी आबादी नहीं है, छोटा सा देश, क्या वो नरेंद्र मोदी जी के लिए काले धन के लिए मना कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है ना? आप क्यों नहीं लेकर आ रहे हो? मत दो 15 लाख, हमें भी मत दो, किसी को मत दो, लेकिन लेकर तो आओ। आप SIT गठित की ना, आपने हर मंच से बोला था ना काला धन लेकर आएंगे,
तो ये काला धन लेकर आने का ये बड़ा प्रमाण है जी कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रवक्ता, संपूर्ण आरएसएस, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले लोग महाजुटे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साबित किया है, कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस के पास संसाधन नहीं है साबित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आपको काला धन किन किन कंपनियों ने दिया है, ईडी पर जिन कंपनियों पर छापे पड़े हैं उन कंपनियों ने आपको काला धन दिया है तो लिस्ट दीजिए, कहा 4 महीने में लिस्ट देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 महीने में क्यों नहीं, 1 दिन में क्यों नहीं, तो 1 दिन में लिस्ट दे दी, वो भी अधूरी दी, कि बीजेपी को चंदा किसने दिया है, पार्टियों को चंदा किसने दिया है, शिवम जी जवाब दीजिए जी। ये सारी बात कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब ले लेते हैं जी। शिवम जी जवाब दीजिए। अमित जी सबसे प्राथमिक जी, अमित जी, डॉक्टर राम पांडे जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, शिवम जी से जवाब ले लेते हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। शिवम जी, जी आपकी बात रखें जी। देखिए सबसे पहले तो बहुत समय प्राप्ति हूँ आपके सभी दर्शकों से, कुछ तकनीकी व्यवधानों की वजह से जी वीडियो के माध्यम से मैं नहीं जुड़ पा रहा। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इन्होंने अभी बात की एक प्रकार से जो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के आसपास के इशू की, तो हमें समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 300 से ज्यादा सांसदों के साथ अपने कई मजबूत विपक्षी गठबंधन के साथियों के साथ सत्ता पर आसीन है, उसके बावजूद हमें मात्र सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त हुए। वही वह लोग जिनके पास 200 से भी कम सांसद है उनको 14,000 करोड़ रुपए के करीब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राशि प्राप्त हुई है। तो ऐसे में इनको जवाब देने की आवश्यकता है कि क्या वजह है इतनी बड़ी संख्या में इलेक्टोरल बॉन्ड इनको मिले। अगर इतना ही इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से आपत्ति थी या उस पर जो राशि मिलनी है उसको स्वीकार नहीं करते या चंदे को नहीं स्वीकार करते, लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी को गुड़ भी खाना है और बुलबुले से परहेज भी करना है। आज पूरी चीज, पूरी जो तस्वीर है वह देश की जनता के सामने है, देश की जनता उसको समझ पा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरा क्या है, कहां किसने लिया, कैसे क्या। हमने चंदे की पूरा यह जो गोरखधंधा कांग्रेस की सरकार में चलता था उसको पारदर्शी बना दिया है, यह चीज तो सबको मालूम है, पूरा देश इस बात का साक्षी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आज कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता बुरी तरीके से जनभावना से कट चुके हैं। इनको देश में 4 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास है वह दिखाई नहीं देते, 8 करोड़ शौचालय नहीं दिखाई देते, लगभग 18 करोड़ से ज्यादा लोग जो नल जल योजना से लाभान्वित है वह दिखाई नहीं देता, 18 करोड़ से ज्यादा परिवार जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वह दिखाई नहीं देते, और इसी के परिणाम स्वरूप आज कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति हुई है। यह लोग सदैव गरीबी हटाओ का नारा दे देते लेकिन कभी उसको अमली जामा पहनाने का इन्होंने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम वादों को, तमाम दावों को जमीन पर चरितार्थ किया है, और इसीलिए जनता का विश्वास, जनता का जनादेश आज हमारे साथ लगातार बना हुआ है, और हम आगे भी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अगर हम जनभावना की अपनी राजनीति को इसी प्रकार से संकल्पित होकर के आगे बढ़ाएंगे तो देश और प्रदेश की जनता आगे भी हम पर विश्वास रखेगी। इस बार हम इस बात के लिए पूरी तरीके से आशान्वित है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत करके सत्ता में वापस जा रहे हैं। हम जब जनता की ओर देखते हैं और जनता में प्रधानमंत्री जी के बारे में जो उत्साह है उसको देख करके एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सत्ता में वापस आएगी, रिकॉर्ड जनादेश के साथ बनेगी, 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने बल से जीतेगी, अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई भी सांसद। चलिए डॉक्टर राम पांडे जी, बीजेपी तो पूरी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? बीजेपी कह रही है कि खाता भी नहीं खुल पाएगा, पिछली बार जो एक सीट थी वो भी हाथ से जाएगी। अभी इन्होंने शौचालय की बात की थी जी, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, स्कूल में नहीं था शौचालय, शौच को बाहर गए मासूम चचेरे भाइयों की नाले में डूबने से मौत, ये आज का दैनिक भास्कर है। ठीक है, मतलब ये शौचालय की बात कर रहे हैं, स्कूल तक में शौचालय नहीं है, अब कागजों में शौचालय बन गए हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से सारा पैसा डकार लिया है। दैनिक भास्कर आज की रिपोर्ट बता रहा हूं, स्कूल में शौचालय नहीं है, बच्चे बाहर नाले पर टॉयलेट के लिए गए और उसमें डूबकर मर गए। ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 करोड़ शौचालयों का पैसा भी खा गया, शौच को भी खा गए, उसको भी डकार गए। अब SBI कह रही है कि 55% चंदा बीजेपी अकेले ने लिया है और 45% चंदा सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर लिया है, उस पर भी इन्होंने झूठ बोल दिया।
क्यों बोला? क्योंकि अमित शाह ने एक टीवी चैनल के सामने झूठ बोल दिया कि 14,000 करोड़ विपक्ष को मिला है, 6,000 करोड़ हमें मिला है। अरे 6,000 से ज्यादा आपको मिला है और 6,000 से कम संपूर्ण विपक्ष को मिला है। कांग्रेस को 1,100 करोड़ मिला है और सबसे बड़ी बात ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आपके पास है। तो जिन कंपनियों पर ईडी की जांच चल रही है उन्होंने चाहे कांग्रेस को चंदा दिया हो चाहे बीजेपी को चंदा दिया हो उन कंपनियों की जांच क्यों बंद कर दी गई? जो पाकिस्तानी कंपनी है उससे बीजेपी ने चंदा कैसे ले लिया? जो बीफ का कारोबार करते हैं उन कंपनियों से, जो गाय का कारोबार करते हैं उन कंपनियों से बीजेपी ने कैसा चंदा ले लिया? तो जो जहर बेचते हैं, जो नकली दवाएं बेचते हैं उनसे बीजेपी ने कैसे चंदा ले लिया? तो जो कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, ईडी का मतलब है जो भ्रष्ट कंपनियां है, उन्होंने आपने कैसा चंदा ले लिया? और जिन कंपनियों को एक साल का मुनाफा 2 करोड़ है वो 200 करोड़ कैसे चंदा ले रही है? चलिए, जिस कंपनी का जवाब दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आपको घेर रही है, लेकिन क्या ये विषय चुनाव में भी गरमा सकता है आपके खिलाफ? क्या मानते हैं शिवम जी? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज ये है, ये चंदे का जो सिस्टम है, जिस पार्टी का जितना जनादेश है उसके अनुरूप पार्टी, कोई भी उद्यमी कोई भी व्यवसायी क्यों अपने निवेश को करना चाहेगा, क्यों उस पर विश्वास करेगा? जो पार्टी राष्ट्र और राम के विरोध की राजनीति करती है, इस भारत के उद्यमी भी राष्ट्र प्रेमी है, राम प्रेमी है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके चंदे का भी अनुपात उसी प्रकार से डाइवर्सिफाइड होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यह जो बात कर रहे हैं 55% चंदे की, इसका कोई ऐसा तथ्यात्मक डाटा जनता के सामने प्रस्तुत कर दे कि जनता को विश्वास हो जाए गृह मंत्री जी ने झूठ बोला? लेकिन ऐसा यह कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास जो दावे हैं उनको हकीकत बयां करने के लिए कोई प्रमाणिक ऐसे तथ्य नहीं है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यह स्थिति है। जनता आज कुछ और चाहती है, यह लोग जनभावना के विपरीत अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को बना करके तैयार किए हुए है और स्वाभाविक तौर पर उसके परिणाम इसी प्रकार से सामने आएंगे। ठीक है, द्वारकाधीश चौधरी जी, जैसे कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला काफी गरमा रहा है और मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये जो विषय आपको लगता है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, क्या जनता के बीच ये विषय फिट हो सकता है, जैसे कि कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लेकर जी आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है और नहीं आम जनता को उसकी कोई जानकारी है। बिल्कुल जी, और इस प्रदेश की 70% जनता न तो समाचार पत्र पढ़ती है न कुछ पढ़ती है। आप देखें कि शहर में, प्रदेश में और देश में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना बड़ा आदेश किया है, सब कुछ किया है, पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेके जनता में बकायदा जो समझ होना चाहिए वो नहीं है। वो किसने कितना चंदा लिया वो बकायदा 21 तारीख को ऑर्डर होना सुप्रीम कोर्ट में कि किसके पास कितना क्या है, वो अभी तो बाकी रहा। और अब देखें दूसरी ओर जो लोकसभा की सीटों के लिए बातें, 29 सीट है, 29 में से कांग्रेस ने आज तक 10 सीटें डिक्लेयर की है, अभी तक 19 सीटें डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, वो क्यों नहीं? और जबकि भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, भाजपा ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया, भाजपा ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। आप देखिए सीटी से फॉर्म भर दिया है, शेड्यूल में फॉर्म भर दिया है, प्रधान मुख्यमंत्री रोड शो कर रहा है उस ओर। प्रदेश की कांग्रेस जो है और देश में जो कांग्रेस है वो आज भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कर रही है और कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, उसके कारण भी आप देखें कि कैंडिडेटों का अभाव दिख रहा है जी। दूसरी ओर आप देखें कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भाजपा में चले गए हैं और भाजपा में जाने के कारण कांग्रेस में कैंडिडेटों की कमी दिख रही है। उसको लेके भी हर समाचार पत्र से लेके हर चैनल जो है जी वो प्रमुखता से दे रही है, और प्रमुखता से देने से आम जनता में तो यही शो हो रहा है कि भाई भाजपा ही प्रचार प्रमुख है, कांग्रेस के पास न तो कैंडिडेट है और न ही उनका कोई प्रचार प्रसार है। उस प्रचार प्रसार को तो ध्यान दे जी, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्टर राम पांडे जी, क्या लगता है प्रचार प्रसार में तो बीजेपी आगे है, लेकिन जहां तक प्रत्याशियों की बात है वो भी स्थिति अभी तक आपकी स्पष्ट नहीं हो पाई है? कहाँ है प्रचार प्रसार में बीजेपी आगे? हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरी पैदल यात्रा कर चुके हैं 11,000 किलोमीटर की, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने मिलकर नहीं किए, हमने प्रचार में पूरा देश नाप दिया जी, लेकिन पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर दी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दी जी, और भारतीय जनता पार्टी अंधाड़ी के हेलीकॉप्टर में घूम रही है
अभी भी आचार संहिता लग चुकी है जी। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में घूम के प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी इन्होंने राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा, उन्होंने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल 250 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 543 पर नहीं लड़ेगी? आधे प्रत्याशी डिक्लेयर किए, आधे पर उन्होंने नहीं किए, और कह रहे कांग्रेस से लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी, हरियाणा के, राजस्थान के, तेलंगाना के 4-6 MP बीजेपी को छोड़ चुके हैं, और हमारी पार्टी में तो पार्टियां मर्ज हो रही हैं। बिहार की पप्पू यादव की पार्टी आज कांग्रेस में मर्ज हो चुकी है, जम्मू कश्मीर की पार्टी आज कांग्रेस में मर्ज हो चुकी है। लेकिन इन राजनीतिक विश्लेषकों को केवल जानकारी बीजेपी के फायदे की होती है, उन्हें कांग्रेस की सच्चाई के बारे में नहीं पता होता है। उन्हें ये नहीं पता कि बीजेपी के 4-6 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में पार्टियां मर्ज हो चुकी हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो चुकी है, ये राजनीतिक विश्लेषक को नहीं पता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों पर हमने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं, और यदि प्रत्याशी पहले डिक्लेयर करने से चुनाव जीते जाते तो हर राजनीतिक पार्टियां 6 महीने पहले अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर देती, कोई 1 साल पहले डिक्लेयर कर देती, कोई 2 साल पहले डिक्लेयर कर देती। आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मैं ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी पहले डिक्लेयर कर दिए। भारतीय जनता पार्टी में ही उनका विरोध है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये सड़े हुए हारे हुए लोगों को हमारे सर पर लाद दिया। 163 भारतीय जनता पार्टी अभी मध्य प्रदेश में चुनाव जीती है और वो उन चुनाव में भी हार गए। ग्वालियर में जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और उस हारे हुए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप दिया, तो भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो इतनी सीटें मिली है 163, उसमें भी हारने वालों को दे दिया। जो बीजेपी में काबिल लोग थे। टिकट वितरण पर हम लगातार चर्चा भी करते रहे अपने डिबेट्स में। बहरहाल समय हमारे पास इस पूरे विषय के लिए इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।